तो हेलो गाइस, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज संडे, आज गोप्रो का थोड़ा सा माउंट हेलमेट का थोड़ा सा वो चेंज किया है। तो आई होप अब एंगल थोड़ा सा अच्छा आ रहा हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि थोड़ा सा टैंक बैग अपना ज्यादा दिख रहा था, रेदर आगे का व्यू कम दिख रहा था, नीचे का ज्यादा दिख रहा था। तो इसलिए मैंने माउंट मंगाया गोप्रो का, तो उसको टेस्ट करने जा रहे थे। मैंने सोचा भी सही है, टेस्ट भी हो जाएगा, राइडिंग भी हो जाएगी अपनी, और रेड रोस्टर के साथ राइड भी हो जाएगा, तो थोड़ा बढ़िया ब्लॉग बन जाएगा। अभी पेट्रोल डलाने आ रहे हैं, पूरा पेट्रोल ले लिया। रेड रोस्टर में थोड़ा सा एवरेज कम हुआ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ है, तो इतना हुआ। पहले 500 रुपए में 100 किलोमीटर चलती थी, अब 500 रुपए में 90 किलोमीटर चलती। आज डलाएंगे इसमें X95, क्योंकि X95 लास्ट टाइम डलवाए थे खजुराहो से, बैक हो रहे थे, उसमें टॉप स्पीड ज्यादा जा रही थी। नॉर्मल पेट्रोल में टॉप स्पीड थोड़ी सी कम जा रही थी, और बैक फायर उसमें ज्यादा आते, मतलब क्रैकल्स। तो टाइम हो रहा है कुछ 6 के अराउंड हो रहे हैं गाइस। चलो भाई सीधा हाईवे पे पेट्रोल वेट्रोल डलवा के सीधा मिलते हैं, फुल टैंक कराएंगे। 95 डलवा लिया, 102 है, 0.89। अब आएगी आवाज सही। हाय हाय भाई साहब, आवाज तो एक नंबर है। वाओ, एक ही वर्ड निकलता बाबा, भाई पिकअप बढ़ जाता है यार X95 में, सीरियसली। वैसे तो इतना पिकअप है गाड़ी में, देखो भाई सबसे ज्यादा पैसा पेट्रोल में ही जा रहा है, खुद के खर्चे तो ऐसे खाने पीने के है ही नहीं। वाओ, रेड रोस्टर कमाल कर दिया यार। ओके, आज कैमरा एंगल भी अच्छा आ रहा है, मजा आ जाए, आज हाइपर राइडिंग हो जाएगी आज पूरी। वाओ यार, सीरियसली गाइस, हाई ऑक्टेन पेट्रोल में तो मजा आ जाता। जरा 95 ही डलवाएं गाड़ी में, तो इससे इंजन भी हेल्थ अच्छी रहेगी, फ्यूल पंप भी बढ़िया रहेगा, इकोनॉमी भी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, सब ऑल गुड हो जाएगा गाइस, ऑल गुड। चलो सीधे हाईवे में मिलते हैं सीधा। अरे भाई साहब, बवाल बवाल यार, बवाल एकदम, एनी टाइम भाई साहब, एनी टाइम पुल बन रहा। तो भाई हाईवे पे आने में कितना टाइम लगता? ओ वाओ, वाओ, भाई साहब पता ही नहीं लग रहा। भाई साहब इतनी देर में पूरे घोड़े खोल देती है गाड़ी। कभी कभी हाइपर राइडिंग करने में मजा आता, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम। परफेक्ट। ओ वाओ, बस इस रूट पे गाय बहुत है। झंझोड़ तक आ रही, कुछ कहो नहीं, देखो भाई साहब, सब देखते जीटी को यार। कितनी बार जो ब्लॉग में बोल चुके होंगे, क्योंकि भाई बोलना पड़ता है, लोग ऐसे देखते ही ऐसे घूर घूर के हैं, क्रैकल्स तो भाई साहब फाड़ हुआ रहा है, फाड़ यार। आज वॉच पहन के नहीं है तो बार बार ऐसे टाइम देख रहे हैं। नहीं भाई, मिट्टी है मिट्टी, नो 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 नो, स्टॉक में जो जब पीछे का साउंड ही नहीं आता, तब इससे हवा विंडो में बहुत आती थी, लेकिन अब आती भाई प्रॉपर, मजा आता। जब दहाड़ती हुई आ रही एकदम,
बांध दिया यार गाड़ी ने यार। फिफ्थ में 160 से भी ज्यादा जा रही, 170 जा रही और रेड लाइन नहीं हो रही। कसम से मजा आ जाता यार सीटी चलाने में। सोचो यार हायर सीसी की गाड़ियां कितना प्यारा मजा देती होंगी, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, कुछ मैटर हो गया कि ओपनिंग है। आजकल बहुत उल्टी सीधी वीडियो आ रही, लड़ाई झगड़े वाली, समझ रहा है, समझ जाओ। उमस भर गई यार बहुत दिनों से। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थोड़ा सा बहुत रश वाला था, बहुत मतलब हाइपर राइडिंग टाइप का हो गया, एकदम से संडे राइड हो गई आज। संडे नहीं इवनिंग राइड हो गई, संडे इवनिंग राइड जो भी आप बोल सकते हो। सुबह उठ नहीं पाते तो संडे को ही। ठीक है गाइस, चलो आई होप आपको RRP का मज़ा आया हो। चलाने वाले को तो बहुत मज़ा आ रहा, और बोल भी रहे ना तो आवाज़ नहीं आ रही आपको, लाउड बोलना पड़ रहा। चलो बाय बाय, सी यू। एक बार लास्ट टाइम सुन लो आप। पटाखे सुन रहे भाई साहब, हर कोई पलट के जरूर दिखता। चलो